सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आईटेल के A49 फ़ोन के बारे में एंड इसके अपने टॉपिक करना लगे इसके अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग गाइस कैसे ऑन करेंगे मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर गाइस आप भी अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट की गाइस मदद से कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग अगर ऑन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे ओनली टू मेट में, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते गाइस अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले गाइस आपको अपने फ़ोन के डायलर को ओपन कर लेना है, देन आपको इसी सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे गाइस आपको देखिए एडवांस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यानी कि आपको एडवांस सेटिंग में। यहाँ पे गाइस आपको देखिए सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्ड कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट का, आप इस पर इनेबल कर लेंगे। अब गाइस आप अपने फ़ोन में जब भी फिंगरप्रिंट पे क्लिक करते गाइस कॉल के टाइम पे, तो आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सिंपली गाइस आप इस प्रकार से भी अपने फ़ोन में कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड गाइस आपको भी अपने फ़ोन में कैसे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, तो सिंपली आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप उस प्रकार से भी गाइस अपने फ़ोन में कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस आपको अपने फ़ोन में सिंपली दो ऑप्शन मिलते हैं कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप इस प्रकार से ऑन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले बाय।